हेलो एवरीवन, वेलकम टू पूनम्स किचन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ डोमिनो स्टाइल झिंगी पार्सल की रेसिपी। तो चलो देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। हम बनाएंगे सबसे पहले झिंगी पार्सल का डो, जिसके लिए मैंने लिया यहाँ पर 1/2 कप वार्म वाटर। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1/2 टीस्पून शुगर। शुगर अच्छे से डिजॉल्व होने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे ईस्ट। अगर आपके पास ईस्ट ना हो या आप ईस्ट से बनाना नहीं चाहते हो तो मैं आपको इस रेसिपी के एंड में बताऊंगी कि आप इसकी जगह क्या ले सकते हैं। यहाँ मैं ले रही हूँ 1 टेबलस्पून ईस्ट। ये एक्टिव ईस्ट है, इसे आप डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, पर इस तरह से पानी में डिजोल्व करने से इसके रिजल्ट और भी अच्छे आते हैं। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने रख देंगे। अब हम लेते हैं एक बड़ा बॉल, जिसके अंदर हम लेंगे मैदा। यहाँ मैं ले रही हूँ 2 कप मैदा। आप मैदा की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हो। 2 कप के मेजरमेंट से हम 6 से 7 झिंगी पार्सल आराम से बना सकते हैं। यहाँ मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून नमक। ये मैं डाल रही हूँ गार्लिक पाउडर 1/4 टीस्पून। अगर आपके पास पाउडर ना हो तो आप गार्लिक को भी ग्रेट कर डाल सकते हो। अब हम इसके अंदर डालेंगे ईस्ट। इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर हम इसे आटे के अंदर डालेंगे। अब एक बार हम इन सभी सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फिर हम इसके अंदर ईस्ट डालेंगे। ये ईस्ट का पानी डालकर हम डो बनाएंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम बीच बीच में थोड़ा नॉर्मल वाटर भी लेंगे। आटे को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और फिर से इसका डो बनाएंगे। एक साथ हमें ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो हमारा जो डो है वो ढीला बन जाएगा। हमें नॉर्मल कंसिस्टेंसी का डो चाहिए। यहाँ मैं और थोड़ा सा पानी ले रही हूँ। हमें डो को अच्छे से गूंदना होगा, क्योंकि अगर हम इसे अच्छे से गूंदेंगे नहीं तो इसके अंदर ग्लूटेन पैदा नहीं होगा। इस डो में अच्छे से ग्लूटेन आना चाहिए, तभी ये अच्छे से फर्मेंट होंगे और हमारे झिंगी पार्सल अच्छे बनेंगे। बस ये रेडी है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा तेल चुपड़ कर इसे एक बार और चिकना कर लेंगे। अब ये रेडी हो चुका है हमारा डो बनकर। बस इसी कंसिस्टेंसी का हमें डो चाहिए। अब हम इसके ऊपर एक गीला कपड़ा रख कर इसे 1 घंटे के लिए रेस्ट करने को रख देंगे। जब तक हमारा आटा रेस्ट कर रहा है, हम बना लेते हैं झिंगी पार्सल की स्टफिंग। तो उसके लिए मैं ले रही हूँ एक पैन के अंदर 1 टेबलस्पून बटर। हमने फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखा है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे 1/2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। बटर अच्छे से मेल्ट होने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे अनियंस। यहाँ मैं ले रही हूँ 1/2 कप अनियन। ये फाइनली चॉप अनियन है। आप चाहो तो इसके अंदर स्वीट कॉर्न और कैप्सिकम भी डाल सकते हो। यहाँ मैं ले रही हूँ रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून, नमक 1/4 टीस्पून। यहाँ मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी हल्दी। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1/2 टीस्पून ओरिगैनो, या फिर आप मिक्स हर्ब भी डाल सकते हो। यहाँ मैं ले रही हूँ 1 कप पनीर। यहाँ मैंने पनीर को छोटे छोटे पीसेस में काट कर लिया है। ये 50 ग्राम पनीर है। अब हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, सारे मसालों का फ्लेवर इसमें आ चुका है। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे 1/2 टीस्पून पिज़्ज़ा पास्ता सॉस। इस तरह से पैकेट्स में ये मिलता है, आप चाहें तो आराम से मार्केट से ले सकते हो, या फिर आप इसकी जगह पिज़्ज़ा टॉपिंग भी डाल सकते हो इसके अंदर। बस अब ये रेडी है हमारी स्टफिंग बनकर। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। हमने पनीर डालने के बाद अगर इसे ओवर कुक किया तो जो पनीर हमने इसमें डाला है वो चूही बन जाएगा। स्टफिंग को हम ठंडा होने रख देंगे और चलते हैं अब डो की तरफ। ये देखिए डो अच्छे से फर्मेंट हो चुका है। अब हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ ले रही हूँ मैं मकई का आटा, इसे मेज़ फ्लावर भी कहते हैं। आप चाहे तो आपके पास मकई का आटा ना हो तो मैदा भी ले सकते हो। अब हम इसे अच्छे से एक बार गूंद लेंगे और इसका एक डो बना लेंगे। अब हम इसे इस तरह से रोल कर इसके पीसेस कर लेंगे इक्वली। यहाँ मैं इसके 6 पीसेस बना रही हूँ और सभी को इस तरह राउंड कर बॉल बना लेंगे। 2 कप के मेजरमेंट से मेरे यहाँ पर
छः बनकर हुए हैं जिंगा पार्सल के डो। अब हम इसे एक बार मकई के आटे के अंदर अच्छे से रोल कर लेंगे और अब हमें इसकी एक रोटी बेलना है। हम यहाँ पर इसकी मीडियम साइज़ की रोटी बनाएंगे। हमें ना ज़्यादा मोटी रोटी चाहिए ना ज़्यादा पतली चाहिए। देखिए बस इसी तरह की और इस इतनी साइज़ की हमें इसकी रोटी बनाना है। अब हम इसका इस तरह से ट्रायंगल बना लेंगे। इस तरह से हम तीनों कोनों से इसे फोल्ड कर देंगे ताकि एक ट्रायंगल बनकर तैयार हो। बस इस तरह से हम इसे साइड से प्रेस कर देंगे और पानी लगाकर हाथों में हम इसे इस तरह चिपकाएंगे किनारों पर ताकि ये खुले ना बेक होते टाइम। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे पिज़्ज़ा पास्ता सॉस। आप चाहें तो यहाँ पर पिज़्ज़ा टॉपिंग भी लगा सकते हो। इसे अच्छे से स्प्रेड करने के बाद हम इसके ऊपर रखेंगे स्टफिंग। स्टफिंग आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। बस इसी तरह रखने के बाद हम तीनों कोनों को आपस में चिपकाएंगे। इस तरह से दोनों कोनों को पहले आपस में चिपका कर दबाएंगे, फिर इस तीसरे वाले कोने को भी इसके अंदर मिक्स कर देंगे और अच्छे से दबाकर इसे फोल्ड कर देंगे ताकि ये बेक होते टाइम निकले ना। आप चाहे तो थोड़ा इसके पानी भी लगा सकते हो ताकि अच्छे से चिपक जाए। अब मैं यहाँ ले रही हूँ एक बेकिंग ट्रे जिसके अंदर मैं बटर पेपर रखकर झींगा पार्सल को बेक करूँगी। यहाँ मैंने सारे झींगा पार्सल बनाकर रेडी कर लिए हैं तो ये तैयार है बेक होने के लिए। अब मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ मीठा दूध जिसके अंदर मैंने शुगर डालकर इसे मीठा कर लिया है ताकि जब हम इसे बेक करेंगे तो इसे बहुत ही अच्छा सा गोल्डन कलर आएगा। आप चाहे तो इसकी जगह बटर भी लगा सकते हो। इसे इस तरह ब्रश से अच्छे से कोट करने के बाद हम इसे रख देंगे बेक होने। आप चाहे तो इसे कढ़ाई में भी बना सकते हो। इस तरह की कढ़ाई में आप रिंग रखकर इस तरह प्लेट रखकर इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लीजिए और इसके अंदर झींगा पार्सल को आप आराम से बेक कर सकते हो। इसके लिए आपको चाहिए पूरे 40 मिनट्स लगेंगे, पर मैं यहाँ ओवन में कर रही हूँ तो मैं 180 डिग्री सेल्सियस पर कर रही हूँ। तो ये मेरा प्री हीट ओवन हो चुका है। अब मैंने इसे बेक करने रख दिया है। यहाँ मैं इसे बेक कर रही हूँ 30 मिनट्स के लिए। 30 मिनट्स हो चुके हैं। अब हमारा झींगा पार्सल बनकर रेडी है। अब हम इसे ओवन से निकाल लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसे। अब मैं इसे थोड़ा सा बटर से एक बार कोट कर लेती हूँ ताकि इसका जो मॉइस्चर है वो बना रहे। अब हम इसे ढककर रख देंगे 10 मिनट के लिए। इस तरह कपड़े से ढकने से इसका मॉइस्चर बना रहेगा। 10 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए कितने सॉफ्ट और फ्लफी बनकर हमारे झींगा पार्सल तैयार हुए हैं। अब हमने इसकी प्लेटिंग कर ली है। ये देखिए आपको मैं एक उठाकर दिखाती हूँ। एक कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है इसे दोनों तरफ से। कितने अच्छे से बेक हुए हैं और कितने फ्लफी हैं। मैं इसे आपको एक तोड़कर भी बताती हूँ। ये बहुत ही बढ़िया लगते हैं खाने में। आप अगर इसे ईस्ट के साथ बनाना ना चाहें तो आप 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर एंड 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा आप डाल सकते हो। आपको इसके अंदर डालना होगा 4 टेबलस्पून कर्ड, 1/2 टीस्पून शुगर। इससे भी आपके सेम ईस्ट की तरह ही बनकर झींगा पार्सल तैयार हो गए। तो है ना बिल्कुल आसान सी रेसिपी। तो आप भी इस रेसिपी को बनाइए और हमें कमेंट्स कर बताइए आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू सो मच।